क्या लखीमपुर खीरी में गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई थी? इस सवाल का जवाब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अब दिया है। SIT ने साफ साफ कहा है कि लखीमपुर मामले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। SIT ने अब आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप है। इसी साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक SUV कार ने कुचल दिया था, जब वो एक कार्यक्रम में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे। घटना के बाद हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। घटना के दौरान एक स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप भी मारे गए। इसके बाद जमकर सियासी बवाल हुआ और बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को हुई थी। हिंसा के कई दिनों के बाद आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा था कि अगर बेटा जांच में दोषी पाया जाएगा तो इस्तीफा दे दूंगा। वहीं अब टेनी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर विपक्ष भी लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।